देखो आज हम गाउट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसको हम गठिया भी बोलते हैं। तो इसके दो लेक्चर होंगे, एक तो ये, इससे एक अगला वाला जिसमें मैनेजमेंट बढ़ाएंगे हम और क्या क्या सिम्टम्स होंगे, और आज पैथोफिजियोलॉजी और क्या क्या कारण है। तो देखो यानी कि जो गाउट होता है वो मेटाबॉलिक अर्थराइटिस है, यानी कि मेटाबॉलिक मीन्स जो जैसे हमने कोई भोजन का सेवन करा और उससे जो प्रोडक्ट बनता है जिससे हमें एनर्जी मिले, ठीक है, तो कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होते हैं, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू जैसे जैसे तुम्हारे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स हैं, तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो क्या है तुम्हारा, यानी कि यूरिक एसिड, ठीक। तो यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज है तो वो अलग अलग है, यानी कि मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है, और बच्चों में क्या होती है, अलग होती है। तो जो मेल में होगी जो नॉर्मल रेंज होगी यानी कि यूरिक एसिड की, वो 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, ठीक है। ऐसे फीमेल में 2.6 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, और बच्चों में थोड़ा कम रहता है, यानी कि 2 से 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, ठीक है। तो देखो हम जैसे मेल को ले लें, ठीक है, तो अगर मान लो यूरिक एसिड की मात्रा 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या हुई, ज्यादा हो गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपर यूरिसेमिया, यानी कि एनिया मीन्स ब्लड, यानी कि ब्लड में क्या है, यूरिक एसिड की मात्रा क्या है, बढ़ रखी है, इसका मतलब ये है, यानी कि 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा आती है जब हम रिपोर्ट चेक कराते हैं, ठीक है। तो मान लो जो यूरिक एसिड है तुम्हारा अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो गया, तो जिसके क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि मोनोसोडियम यूरेट, यानी कि ये क्या है, यूरिक एसिड की क्रिस्टल फॉर्म है, यानी कि इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये यानी कि मोनोसोडियम यूरेट जो है यही क्या होता है, डिपोजिट करता है तुम्हारे जॉइंट्स में, ठीक है, और क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज में, ठीक। अब देखो तो जो यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लो बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, तो वो निकलता भी है बॉडी से, ऐसा तो है नहीं कि बॉडी के अंदर सब बना रहेगा, तो किससे निकलता है, रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि किडनी के द्वारा क्या होता है, अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो बाहर भी निकल जाता है। तो कितना, जैसे मान लो 90% जो यूरिक एसिड होगा वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू, यानी कि किडनी के द्वारा। जैसे मान लो 100 ml, सपोज मैंने समझाने के लिए बताया है, यानी कि 100 ml मान लो यूरिक एसिड बना, तो उसका 90% क्या होगा, बॉडी रीअब्सॉर्ब करेगी, यानी कि किडनी, यानी कि वापस बॉडी को डाल देगी, और 10% क्या होगा, किडनी के द्वारा छान दिया जाएगा यूरिन के थ्रू, ठीक। देखो मैंने लिख ही रखा है, यानी कि जो 10% एलिमिनेशन होगा वो यूरिन के थ्रू होगा, ठीक है। और कुछ यूरिक एसिड क्या है तुम्हारे इंटेस्टाइन के, यानी कि जो मल है उसके द्वारा बाहर निकलता है, ठीक। तो ये तो इसका होगा इंट्रोडक्शन। अब देखो यानी कि गाउट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि बढ़, यानी कि यूरिक एसिड के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है या कोल्ड ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मान लो थम्सअप है, कोको कोला है, इसका आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, या दालों का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तब भी क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में। वेजिटेबल से देखो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन यानी कि बढ़ता नहीं है, लेकिन कुछ वेजिटेबल ऐसी होती है जिससे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या बढ़ जाता है, जैसे पालक है, ठीक है, मटर है, गोभी है, मशरूम है, अगर इसका सेवन करते हैं तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होता है, बढ़ जाता है बॉडी में। मीट है, जैसे मांस, जैसे भैंस का मांस है या बकरी का मांस है, सी फूड, जैसे सी फूड जैसे जो समुद्र के अंदर जीव पाए जाते हैं, जैसे ऑक्टोपस है, ठीक है। अल्कोहल का, जैसे कोई व्यक्ति अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करता है तो उसमें भी यूरिक एसिड का मतलब लेवल बढ़ा हुआ मिलता है या बढ़ जाता है। या मान लो फैटी फूड है, जैसे समोसा है, पकौड़ी है, ये बहुत ज्यादा सेवन करता है। स्टेरॉइड जैसे डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन है, फ्लुटिकासोन, अगर इसका सेवन यानी कि स्टेरॉइड का सेवन करता है तब भी यूरिक एसिड क्या है, बढ़ जाता है बॉडी में। ओबेसिटी यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मोटा है तो हाई रिस्क है, क्या उसमें क्या है, यूरिक एसिड का लेवल क्या है, बढ़ सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि पूरे दिन बैठा रहता है, काम नहीं करता बिल्कुल भी। या मान लो किडनी में कोई डिजीज है, किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है, यूरिक एसिड को बाहर निकालती है। हम मान लो कि किडनी से यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल रहा तो क्या होगा, बॉडी में इकट्ठा होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करता है थायराइड, ठीक है। अब मान लो थायराइड का लेवल कम होगा तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होगा, बॉडी में डिपोजिट होने लगेगा, जैसे यूरिक एसिड। और डायुरेटिक्स जैसे फ्लूसेमाइड का यूज कर रहे हैं तब भी क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, बॉडी में बढ़ जाता है। या मान लो कीमोथेरेपी हो रही है तो अब भी क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। या कोई मीनोपॉजल वुमेन है तब भी क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इतने कारण हो गए यूरिक एसिड बढ़ने के, ठीक है।
अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम, इसे मैं मिटा दूं पहले। अब देखो यानी कि जो गाउट है उसके हमने कारण पढ़ लिए और क्या इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा, अब क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी यानी कि किस तरह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो देखो। तो दो तरह से हो सकता है, एक तो इंडोजीनस हो सकता है या एक्सोजीनस। तो इंडोजीनस क्या है, जैसे मान लो शरीर के अंदर जो तुम्हारी सेल होती है तो सेल के अंदर डीएनए होगा और डीएनए के टूटने से क्या हो, प्यूरिन का फॉर्मेशन हो, ठीक, एक तो ये हो गया। या हम बाहर से एक्सोजीनस, जैसे मान लो मैंने भी कारण लिखा रखे हैं आपको बहुत सारे, तो उसमें जैसे मीट मांस का सेवन कर रहे हैं या प्लांट का सेवन कर रहे हैं और इसके डीएनए के टूटने से प्यूरिन का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो प्यूरिन क्या होगा, तुम्हारे लीवर के अंदर जाएगा, ठीक है, और लीवर के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जैंथिन ऑक्सीडेज, देखो ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्यूरिन को यूरिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये यूरिक एसिड क्या होगा, ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा और ब्लड के थ्रू क्या करेगा, ये किडनी में जाएगा। अब किडनी क्या करेगी, 90% जो यूरिक एसिड है उसको रीअब्सॉर्ब करेगी, यानी कि उससे क्या करेगी, वापस बॉडी में डाल देगी, ठीक। और बचा 10% क्या होगा, वो यूरिन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखो जैसे मान लो जैंथिन ऑक्सीडेज की क्या हो, एक्टिविटी बढ़ जाए, जिसकी क्रियाशीलता है वो बढ़ जाए, तो क्या होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, एक तो ये हो सकता है। या फिर मान लो तुम्हारी किडनी है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और ये क्या करे, जो यूरिक एसिड है उसे छानी ना पाए, तो क्या होगा, बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। या मान लो तुमने क्या करा, बहुत सारा क्या करा, प्रोटीन वाली चीजों का सेवन करा, जैसे मीट का बहुत ज्यादा सेवन करा, या मान लो जो मैंने लिखा रखे जैसे प्लांट है और भी बहुत सारी चीजें जिसका सेवन तुमने किया जो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। या फिर मान लो इंडोजीनस, जैसे मान लो क्या होता है, कभी कभी पेशेंट होता है जिससे कैंसर वगैरह हो जाता है, तो कीमोथेरेपी चलती है, तो कीमोथेरेपी ऐसा तो है नहीं कि कैंसर सेल को डैमेज करेगी, बगल वाली सेल को भी डैमेज करेगी, और उससे क्या होगा, जैसे सेल के अंदर डीएनए होगा और डीएनए के टूटने से क्या होगा, प्यूरिन का फॉर्मेशन होगा, तब भी क्या होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो जैसे यूरिक एसिड बढ़ने लगा, तो सपोज मान लो अगर वो किडनी में डिपॉजिट होने लगा तो क्या होगा, किडनी में स्टोन बन जाएंगे, ठीक। या मान लो जोड़ों में इकट्ठा होने लगा, जो तुम्हारे जॉइंट्स है, अगर जॉइंट्स में इकट्ठा होगा तो क्या होगा, जॉइंट में पेन करेगा तुम्हारा, अर्थराइटिस हो जाएगी, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई गाउट की। अब इसके बाद हम इसके सिम्टम पढ़ेंगे और मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बोलो नेक्स्ट लेक्चर होगा कल को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ बाबू।